दिल्ली के सभी ऑटो टैक्सी चालक दिल्ली नगर निगम और दिल्ली सरकार के खिलाफ हड़ताल पर जा रहे हैं और तीनों निगमों के खिलाफ अपना गुस्सा निकालने के लिए 16 सितंबर को जंतर मंतर पर धरने की तैयारी कर रहे हैं। ऑटो टैक्सी चालकों का कहना है कि अचानक से दिल्ली नगर निगम ने दिल्ली NCR में जाने के लिए जो टोल लगता था वो डबल कर दिया है और 3,000 रुपये का रिचार्ज भी करवाना जरूरी कर दिया है। ऐसा क्यों? जहाँ दिल्ली ट्रैफिक पुलिस द्वारा पहले ही चालान पर भारी जुर्माना लगाया जा रहा है, ऊपर से अब दिल्ली के तीनों निगमों ने सबका जीना दुर्लभ कर दिया है। ऐसे में परिवार को खाना कैसे खिलाएं और खुद कहाँ जाएं? इसलिए दिल्ली सरकार से और तीनों निगमों से नाराज होकर इस प्रदर्शन की तैयारी चल रही है, जिसका खामियाजा दिल्ली सरकार को भुगतना पड़ सकता है। दिल्ली नगर निगम के अधिकारी हैं, जो मेयर वगैरह हैं, अपना भारतीय मजदूर संघ की आवाज़ पहुँचाना चाहते हैं। जो दिल्ली नगर निगम द्वारा ये टोल टैक्स द्वारा ये जबरदस्ती लूटमार हो रही है, एक एक पर्ची से 200-200 रुपये उगाना और एक पर्ची 100 की करती है और 200 रुपये की एक पर्ची करती है, ये कहाँ का इनका कानून है जी? तो ये तो सरेआम टाका डालने ना टोल टैक्स पे। अगला कदम ये है हमारा, 16 तारीख को पूरी NCR की यूनियन है और पूरी बसों बस ऑटो टैक्सी टेम्पू और ये टैक्सियों की यूनियन, हम 5 मुद्दों पर जंतर मंतर पर प्रदर्शन कर रहे हैं।